तो चलो बोला पढ़ते हैं, ठीक है ना। एग्जाम्पल पहले सूत्र पढ़ लेते तेरी किताब में। देखो सबसे पहले हम विभाजन सूत्र के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें तीन विभाजन सूत्र मिलेगा आपको, ठीक है। सबसे पहले बात बता दें आपको कि जो फर्स्ट आता है, मान लो पहले सूत्र में कि पहला सूत्र आपका होगा कि दो बिंदुओं, दो बिंदुओं के मध्य बिंदु का निर्देशांक, मध्य बिंदु का निर्देशांक, मैंने सबसे पहले ये हम लोग चीज को अध्ययन करेंगे। दो बिंदु दिया हो तो इसका जो मध्य बिंदु होगा उसका निर्देशांक क्या होगा। देखो मान लो हमारे पास क्या है ना, पहले सूत्र हम लिख देते हैं यहाँ पर। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक होगा x बराबर एक्स वन प्लस एक्स टू बटा में दो, और y बराबर वाई वन प्लस वाई टू बटा में दो, ठीक है। माने x बराबर एक्स वन प्लस एक्स टू बटा में दो, y बराबर वाई वन प्लस वाई टू बटा में दो हो जाएगा, ठीक है। और सुनो हम इसको कैसे दिखाएंगे। मान लो कि एक रेखा यहाँ पर है, यहाँ पर दो बिंदु हमारे पास है, एक ए है एक बी है। और जो ए है ना, ए ए का निर्देशांक है एक्स वन वाई वन, और बी का निर्देशांक है एक्स टू वाई टू। और जो ये मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु इसका निर्देशांक हमें बताना है, किसका निर्देशांक, मध्य बिंदु का। तो इसीलिए मध्य बिंदु का निर्देशांक बताने के लिए एक्स वन प्लस एक्स टू बटा में दो यहाँ पर लिख दिया गया है, और वाई वन प्लस वाई टू बटा में दो, बस समझ गए। तो इस तरीके से कहीं जैसे एक सवाल यहाँ पर ले लेते हैं, ठीक है ना। मान लो कि एग्जाम्पल के हिसाब से अगर कोई समझाए आपको तो कैसे समझेंगे। ऐसे दे दिया कि बिंदु दो पाँच और तीन चार के मध्य बिंदु का निर्देशांक बताइए। पहले समझो को ध्यान से, मध्य बिंदु का निर्देशांक बताइए, ठीक है। मान ले क्वेश्चन दे दिया कि आपके दो पाँच दिया और फिर से तीन चार के मध्य बिंदु का निर्देशांक बताना है, तो बस सूत्र याद है, मध्य बिंदु का निर्देशांक का एक्स वन प्लस एक्स टू वाई वन प्लस वाई वन बटा में दो। चलो हल करेंगे इसको तो क्या कम है आपको। पहले कहा दो पाँच है तो दो कमा पाँच, और क्या है तीन चार है तो तीन कमा चार, है ना। दो कमा पाँच लिख लिया हमने, फिर हमने क्या लिखा तीन कमा चार लिखा, और जहाँ दो कमा पाँच है क्या लिख सकते हैं, एक लिख सकते हैं एक्स वन और एक लिख सकते हैं वाई वन। इसको लिख लो एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू। क्या निकालना है, मध्य बिंदु का निर्देशांक है, मध्य बिंदु का निर्देशांक। तो यहाँ पर आ जाए तो होता क्या है, सूत्र x बराबर एक्स वन प्लस एक्स टू बटा में दो। तो देखो यहाँ एक्स वन का मान कितना है, दो है, और एक्स टू का मान कितना है, तीन है। तो यहाँ पर दो प्लस तीन बटा में दो, तो दो और तीन दोनों जोड़ दो तो पाँच बटा का हो गया दो आ गया, तो एक निर्देशांक आपका आ गया पाँच बटा दो। और फिर y बराबर लिखेंगे y का निर्देशांक, तो y1 वन प्लस वाई टू बटा में दो, तो y1 वन का मान क्या है पाँच है, पाँच हमने लिख दिया, प्लस y2 टू का मान चार है, चार लिख दिए और जोड़ दिए तो नौ बटा क्या आ गया दो आ गया। हमारे पास निर्देशांक निकल गया नौ बटा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। उसके बाद से देखो ध्यान से, यहाँ तो ये तो पहला सूत्र था आपका कि दो बिंदुओं के मध्य बिंदु का निर्देशांक पूछेगा, याद भी हो गया है। एक्स बराबर एक्स वन प्लस एक्स टू बटा में दो, वाई बराबर वाई वन प्लस वाई टू बटा में दो हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट दूसरा सूत्र।
सूत्र नंबर सेकेंड। तो देखो सेकेंड सूत्र क्या कहता है, जैसे मान लो दो बिंदु दिया है और उसके बाद उसका अनुपात दिया है, कहता है कि अंतः विभाजन का निर्देशांक बताइए। जैसे क्या कह दिया ना, यहाँ पर लिख देते हैं कि जब दो बिंदु तथा अनुपात दिया हो, अनुपात दिया हो तथा अंतः विभाजन, जरूर अंतः विभाजन लिखेगा, अंतः विभाजन होता हो, होता हो, तब तब क्या होगा निर्देशांक, तब आपको क्या बताना है निर्देशांक बताना है। क्या कहा गया कि जब दो बिंदु तथा अनुपात दिया हो तथा अंतः विभाजन होता है तब निर्देशांक का हो। तो पहले तो ये जानिए कि दो बिंदु, मान लो कि पहला जब इसको बनाएंगे तो पहला बिंदु है आपके पास एक्स वन कमा करके वाई वन और जो दूसरा बिंदु है एक्स टू कमा करके वाई टू, इतना जरूर याद रखना। जब दो बिंदु देगा तो जो पहला बिंदु होगा इसका निर्देशांक होगा एक्स वन वाई वन, जो दूसरा बिंदु होगा इसका होगा एक्स टू वाई टू, और जो अनुपात होगा अनुपात वह अनुपात होगा काची एम वन संबंध है एम टू, अनुपात क्या हो गया एम वन संबंध एम टू। तो अब सुनो अंतः विभाजन जब करता है, यहाँ पर लिख देते हैं अंतः विभाजन जब कहेगा तो अंतः विभाजन का निर्देशांक क्या होगा याद कर लो, अंतः विभाजन का निर्देशांक तो x बराबर होगा एम वन एक्स टू, याद करो ध्यान से बाबू एम वन एक्स टू माने एम वन के साथ एक्स टू ही रहेगा, माने ये सब अनुपात दिया होगा प्लस प्लस यहाँ पर देख लो तब होगा एम टू एक्स वन, क्या होगा एम टू एक्स वन बट्टा में एम वन प्लस एम टू, नीचे एम वन प्लस एम टू होता है ठीक है। और अगर y का लिखोगे तो y बराबर बस जहाँ एक्स टू एक्स वन है तो वाई वन कर देना, एम वन एक्स टू है तो वाई टू हो जाएगा प्लस एम टू वाई वन बट्टा में एम वन प्लस एम टू, निर्भर ध्यान से मानिए निर्देशांक रहा। जब अंतर विभाजन कहेगा तो पहले तो आपका निर्देशांक दिया होगा एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू, जब अनुपात कहेगा तो क्या दिया होगा एम वन संबंध एम टू, और कहेगा कि अंतर विभाजन का निर्देशांक बताइए तो आप x बराबर एम वन एक्स टू प्लस एम टू एक्स वन बटा में एम वन प्लस एम टू, और y बराबर एम वन वाई टू प्लस एम टू वाई वन बटा में एम वन प्लस एम टू। इस पर एक सवाल लगाते हैं ठीक है, एक एग्जाम्पल हम लोग लगाते हैं। कह दिया कि यदि दो बिंदु, यदि दो बिंदु दो पाँच और तीन छ हैं तथा इनका अनुपात दो संबंधे तीन है, दो संबंधे तीन है और अंतः विभाजन करते हैं, अंतः विभाजन करते हैं तो निर्देशांक बताइए, तो निर्देशांक बताइए। बात समझ रहे हो, जैसे सवाल है ना, कहा कि यदि दो बिंदु दो पाँच और तीन छ है तथा इनका अनुपात दो संबंध तीन है और अंतर विभाजन करते हैं तो निर्देशांक बताइए। तो क्या करेंगे, पहले जो हल जब करेंगे तो जो जो मान दिया जो डाटा दिया उसको लिखते हैं, क्या दिया दो कमा करके पाँच और तीन कमा करके छ, हाई एक्स वन हाई वाई वन हाई एक्स टू ये वाई टू। देखो दो पाँच है तो एक्स वन वाई वन मान लो और इसको एक्स टू वाई टू मान लो, आ जो अनुपात दिया है ना, अनुपात आप करिए सवाल में क्या दिया है दो संबंधित तीन, तो दो संबंध तीन है तो एम वन इसको मान लो दो को और एम टू तीन को मान लो, क्या आप लिख लेना एम वन संबंध है एम टू हो। अब चलो अब निर्देशांक जब निकालेंगे हम लोग यहाँ
ठीक है, जब निर्देशांक निकालेंगे तो एक एक्स बराबर लिख लेंगे एम वन एक्स टू प्लस एम टू एक्स वन बट्टा में एम वन प्लस एम टू। अब बस आपको डाटा रख देना है, देखो यहाँ एक्स वन दो है, वाई वन पाँच है, एक्स टू तीन है, वाई टू छः है, एम वन दो है और एम टू तीन है, तो रखो। जहाँ एम वन है तहाँ कितना है, दो, तो दो रखते हैं दो गुणे, जहाँ एक्स टू है तहाँ तीन रखते हैं प्लस, जहाँ एम टू है तीन रखते हैं गुणे, जहाँ एक्स वन है तहाँ दो रखते हैं, बट्टा में दो प्लस तीन हो जाएगा। और दो से गुणा तीन में करेंगे छः प्लस, तीन से गुणा दो में करेंगे छः, बट्टा में तीन दो कितना हो गया पाँच, तीन दो पाँच, और ऊपर जोड़ देंगे छः छः बारह, तो बारह बटा क्या हो गया पाँच आ गया। अब ये निकल गया, अब तो वाई वाला भी बाकी है ना, तब यहाँ पर लिखेंगे फिर सूत्र वाई बराबर वाई बराबर हो जाएगा एम वन वाई टू प्लस एम टू वाई वन बटा में एम वन एम टू, तो वाई बराबर। अब देखो यहाँ भी सब डाटा दिया है, वाई वन का मान पाँच है, वाई टू का मान छः है, एम वन का मान दो है और एम टू का मान क्या है तीन है, तो रख दें यहाँ पर सूत्र में। चलो जहाँ एम वन है तहाँ दो रखो, दो रख दिया हमने गुण है, जहाँ वाई टू है उसके यहाँ पर छः रखते हैं प्लस, जहाँ एम टू है तहाँ तीन रख देते हैं गुण है, जहाँ वाई वन है तहाँ पाँच रख देते हैं बट्टा में नीचे एम वन प्लस एम टू, तो दो प्लस तीन या तीन प्लस दो प्लस एम टू, तो बराबर का आ जाएगा छः दोना बारह प्लस पाँच तिहाई पंद्रह प्लस तीन दो पाँच, तो वाई बराबर ये क्या आ जाएगा सत्ताईस बट्टा पाँच। तो आपको क्या निकालना था, निर्देशांक निकालना था, ठीक है। तो जब निर्देशांक निकालना है तो क्या कहा गया, देखिए आया है निर्देशांक के रूप में आपका, एक तो एक्स का मान आ गया बारह बट्टा पाँच और कमा करके एक वाई का मान आ गया है सत्ताईस बट्टा पाँच, देखो निकल गया, समझ रहे बात को, ठीक है। अब हम आते हैं टॉपिक नंबर तीन पर, देख लो समझ लो क्या क्या बताया गया है। अब हम लोग पढ़ेंगे, जानते हो क्या कि जब निर्देशांक दिया हो, ठीक है, क्या दिया हो निर्देशांक दिया और बाह्यता अनुपात करता हो तब उसके लिए क्या होगा, बाह्यता अनुपात जब कहा जाता हो। चलो देखो अब हम आ जाता है किसके सूत्र नंबर तीसरा के पास आ जाते हैं, तीसरा, ठीक है। तीसरा में कहा है ना, देखो जैसे आप पहले कहा कहे थे कि दो बिंदु होगा तो उसके मध्य बिंदु के लिए संघ निकाल लिए, और जब अंतर विभाजन करता है तब, और जब सूत्र आप तीसरा पाएंगे तो देखिए कहिएगा कि जब दो बिंदु दिया हो तथा अनुपात भी दिया हो और बाह्यता अनुपात काटता हो, बाह्यता अनुपात काटता हो तब निर्देशांक, तब निर्देशांक, ठीक है ना। कहा है क्या कहा कि जब दो बिंदु दिया हो तथा अनुपात दिया हो और बाह्यता अनुपात काटता हो तब निर्देशांक,
बाबू तो ने त्रिपाल वा सही कर दो खींच कर। तो देखो बिंदु दिया है आपका, का दिया है एक्स वन वाई वन, फिर आपका दे दिया एक्स टू वाई टू, अनुपात आपका का दे दिया एम वन समान दे एम टू, देख रहे हमेशा दो बिंदु दिया होगा एक एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू, अनुपात एम वन समान दे एम टू हो जाएगा। क्या होगा निर्देशांक जब निकालेंगे तो अपाहत अनुपात कह रहा है तो जानते हो बाहत में जो सेम वही सूत्र रहेगा, लेकिन जो जहाँ प्लस होता है माइनस आ गया, ऐसे एक्स बराबर एम वन एक्स टू माइनस एम टू एक्स वन बटा में एम वन माइनस एम टू, और वाई निकालेंगे तो एम वन वाई टू माइनस एम टू वाई वन बटा में एम वन माइनस एम टू, ठीक है ये आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ से एक एग्जाम्पल समझते हैं, उदाहरण एक उदाहरण क्या करते हैं हम लोग समझते हैं। कह दिया कि यदि दो बिंदु चार और पाँच है, दो बिंदु कितना है चार पाँच और छ सात है, तथा अनुपात चार संबंध पाँच है, तथा बहत्तर अनुपात काटता है, बहत्तर अनुपात काटता है तो निर्देशांक बताइए, तो निर्देशांक बताइए। चलो यदि दो बिंदु का है चार पाँच और छ सात है, तथा अनुपात चार संबंध पाँच है, तथा बहत्तर अनुपात करता है तब निर्देशांक। सवाल में एकदम लिखा होगा कि वो बहत्तर कह रहा है कि अंतर कह रहा है, ठीक है बस आपको बहत्तर के लिए ये फार्मूला है, अंतर के लिए वो जो फार्मूला लिखा गया था ये वाला, यहाँ पर जब ये वाला देख रहे हैं, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। और बहत्तर के लिए तो ये जो बताया गया दोनों, इसको भी याद रखिएगा, बस अंतर इतना होता है कि बीच में माइनस आ जाता है। हमेशा याद रखना कि M1 के साथ X2 ही रहेगा, बहुत बच्चे M1 X1 इतने गलत बात है, M1 के साथ X2 रहेगा और M2 के साथ X1, ठीक बा। चलिए हमारे पास जब हल करेंगे तो जो मान दिया उसको लिखते हैं, एक तो दे दिया है चार पाँच और एक आपका है छ सात, तो बताओ चार को आप क्या मानेंगे X1 और ये क्या आ जाएगा Y1, ये X2 ये Y2, अनुपात भी आपका दे दिया है चार संबंधे पाँच, अनुपात है चार संबंधे पाँच, तो ये X1 इसको M1 मानेंगे, M1 हो गया और ये M2, ठीक है। तो डायरेक्टली फार्मूला में भर दें, बहत्तर कहाँ है तो निर्देशांक बताना आपको, तो बस मान भर दीजिए X बराबर कहा था ना M1 है तो M1 का मान चार है, गुण है X2 है तो X2 का मान छः है तो छः लिख प्लस माइनस होता है ना माइनस, एक है M2 गुण X1 तो M2 का मान पाँच गुण है X1 का मान चार, और बटा में कहाँ है चार संबंध है तो चार माइनस पाँच, तो क्या हो जाएगा छः छः को चौबीस और माइनस पाँच को बीस, ये घटेगा तो माइनस वन, अच्छा चौबीस में जो बीस जाएगा ना माइनस चार बचेगा, और माइनस एक ऊपर माइनस वाला ऊपर चला जाएगा तो माइनस का आ जाएगा, अच्छा नीचे दिखाई दे रहा है और लिखा जाएगा। चलो अब वाई बराबर भी लिख लो, वाई वन एम टू होता है ना डायरेक्टली मान भर दो, क्या है M1 Y2, तो M1 का मान देखो यहाँ का चार है Y2 का सात, तो यहाँ पर लिखना है चार गुणे सात माइनस M1 गुणे हाँ तो पाँच गुणे पाँच, पाँच गुणे का आ गया पाँच बटा में चार माइनस पाँच, तो एक गुणा करोगे तो 28 हो जाएगा, सचो का 28 होता है माइनस 25 और नीचे आपका माइनस एक, माइनस पाँच में चार जाएगा तो घटा दोगे तो तीन बटा माइनस एक तो माइनस तीन आ गया, तो हमारे पास निर्देशांक आ गए, निर्देशांक हमारे पास आ गया माइनस चार और माइनस तीन, देख लिए बना लोगे। चलो आ जाओ अब आपकी किताब का जो एग्जाम्पल है उसको बताते हैं, मैंने किताब का उदाहरण, अच्छा जितना पढ़ाया उतना समझ गए होंगे आप लोग, उदाहरण नंबर 1
उदाहरण नंबर सिक्स पहला देखो कि उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए, देख रहे हैं उस बिंदु का, तो ध्यान देना बाबू, निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु 4-3 और 8-5 को जोड़ता है और रेखाखंड को आंतरिक रूप से, यानी आंतरिक मतलब अंतः विभाजन, 3:1 में करता है। क्या निकालना है? निर्देशांक। अच्छा कहाँ का दिया, देखो एक तो दे दिया 4-3 एक कह रहा आपका 8-5 अनुपात भी दे दिया है, अनुपात का दिया है 3:1 ये दे दिया। अच्छा खूब बढ़िया समझो कि अगर अंतर विभाजन करता है तो फार्मूला यही होता है, बस प्लस हो जाएगा, यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस हो जाएगा ना। देखो ये x1 हो जाएगा, ये y1, ये x2, ये y2, ये m1, ये m2, तो क्या बताना है? निर्देशांक बताना है। तो जब अंतर विभाजन कह रहा है, समझ लिया बात को, जब क्या कह रहा है अंतर विभाजन, तो जानते ही होंगे x बराबर क्या होता है, यही होता है m1 x2 लगी प्लस होगा। तो चलो m1 का लिख लेते हैं 3 × x2 का लिख लेते हैं 8 प्लस m2 का लिख लेते हैं 1 और गुण x1 का लिख लेते हैं 4 और बाटा में m1 प्लस m2 होता है तो 3+1। अब सुनो 8×32 हो जाएगा, आतरी का 24 होगा, आ 1 4 हो जाएगा, तो 24 और 4 जोड़ेंगे कितना 28 बटाया 4, 4 से काट दोगे इसको 7 बार में तो 7 आ गया। अब y बराबर लिखो, y बराबर जब निकालोगे तो m1 y2 होता है, तो m1 का मान तो आपके पास 3 है गुण है, y2 का मान 5 है प्लस m2 1 है, y1 -3 है, और पट्टा में आपका हो जाएगा 3+1 तो कहा हुआ 5 15 हो जाएगा, -3 बटा में 4 घटेगा तो 12/4 आ गया, 4 काटेंगे तो 3 बार में तो 3 आ गया। तो अब आपसे निर्देशांक पूछा है, तो निर्देशांक में क्या हो जाएगा आपके पास 7+3 हमारा आंसर हो जाएगा। तो उदाहरण 6 समझ गए ना, बहुत सिंपल सा आपका। अब आते हैं यहाँ बता देते हैं उदाहरण 7 क्या करा दें। उदाहरण 7 हमसे कह रहा है कि देखो ध्यान से, बिंदु -4 6 और बिंदु -6 10 और 3-8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में काटेगा। अच्छा देखो कहाँ का दिया है, पहला जो बिंदु होता है ना, जब 3 को बिंदु दे देगा तो पहला जो बिंदु है क्या दिया है, -4 और 6 दिया है ना, तो इसको हमेशा एक्स वाई मानते हैं, समझो 3 बिंदु दिया है तो जो पहला बिंदु होगा वह -4 और 6 दिया है तो उसको हमेशा एक्स और वाई मानते हैं, बस समझ रहे। दूसरा बिंदु चलो, अब दो जो बिंदु दिया होगा उसको x1 y1 और x2 y2 मान लेते हैं, ठीक है ना। द्वितीय स्थिति यहाँ लिख सकते हो, इसमें भी आपके पास 2 बिंदु दिया, देखो ना क्या दिया है, -6 और 10 और क्या दे दिया है, ए का मान है और बी का मान है 3-8। सवाल में क्या कहता है ना कि जोड़ने वाली रेखाखंड को किस अनुपात में काटेगा, किस अनुपात में, अनुपात पूछा था। जब अनुपात कहता है तो जब भी अनुपात आपसे पूछे याद रखना आप इसको m1 × m2 मानेंगे, क्या मानेंगे, m1 × m2 यहीं से लगेगा, समझ रहे हो। सवाल में देखो एक तो बिंदु दिया है तो बिंदु को एक्स वाई मानेंगे, मध्य बिंदु हो गया, और जब आपके ऐसा लगता है कि ए और बी दिया है तो ए वाला को आप x1 मानिए, y1 इसको x2 और y2। तो एक सूत्र लिख आपको याद होगा कि x बराबर m1 x2 + m2 x1 बटा में m1 + m2 नहीं अनुपात आगे तो दो तो लगाएंगे नहीं, क्योंकि मैं m1 और m2 आएगा नहीं, ठीक है। अब यहीं पर मान भर दो, चलो x का मान कितना है, देखो -4 है, देख रहे हैं तो यहाँ पर -4 भर दो बराबर, m1 का कितना है, m1 का निकालना है ना, तो वैसे ही रखो गुण है, x2 का मान देखो 3 है, 3 भर दो प्लस m2 निकालना है गुण है, x1 का मान -6 है, -6 भर दो बट्टा में m1 + m2, तो यहाँ पर m1 + m2 कर दो,
यहाँ पर क्या होगा माइनस चार, तो ये हो जाएगा एम वन प्लस तीसरा दिशा से गुणा करें एम टू, आ जाएगा थ्री एम वन माइनस सिक्स एम टू, चार से गुणा कर दो माइनस चार एम वन और माइनस चार एम टू, सबको इधर लेकर आओ माइनस थ्री एम वन आ जाएगा तो प्लस सिक्स एम टू बराबर जीरो। अच्छा बताओ यहीं से हल कर लो, ये माइनस चार है माइनस तीन है तो माइनस सात एम वन हो जाएगा जो जुट जाएगा, ये छः है प्लस में है ये माइनस में है तो घर जाएगा टू एम टू इक्वल टू जीरो। सुनो माइनस सात एम वन बराबर माइनस टू एम टू, समझ लो यहाँ पर लिख रहे हो तो क्या हो गया ये एम वन वैसे ही रखो जैसे जैसे आया है ना माइनस सात एम वन बराबर टू एम टू, भाई एम वन वैसे ही रखो भाई बटा में एम टू कर दो बराबर भाई टू वैसे ही रखो भाई बटा में सात कर दो माइनस सात, जैसे एम वन वैसे ही रखो एम टू बटा में कर लो ये दो बटा माइनस सात, तो यहाँ पर हो जाएगा एम वन संबंध एम टू बराबर टू संबंध क्या आ गया माइनस सात, हमारा ये आंसर है। बात समझ गए, इतना नोट कर लो तब आ रहे तो बाकी का बहुत आसान है।